हेलो एवरीवन, आज हम मैथ पढ़ेंगे स्टैंडर्ड टू। चैप्टर वन में हम आगे अब पढ़ेंगे क्वेश्चन फोर। पुट राइट फोर द ऑब्जेक्ट विच कैन बी स्टैक्ड एंड रॉन्ग फोर द ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी स्टैक्ड इन द गिवन बॉक्स। एग्जाम्पल्स आर गिवन, यानी कि इसमें क्या करना है। आगे हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट रोल होता है वहां पे राउंड लगाना है, स्लाइड होता है वहां पे क्रॉस लगाना है, और दोनों होता है वहां पे राइट लगाना है। वैसे ही यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट स्टेक्ड होगा उसके आगे हमें लगाना है राइट, और जो नहीं होगा वहां पे हमें लगाएंगे रॉन्ग। उसका एग्जाम्पल है वो यहाँ पे दिया, एग्जाम्पल दिए मैंने, आगे बताया था स्टेक यानी कि क्या। यहाँ पे जब मैंने एक्सप्लेन किया था तब आपको बताया था, ये स्टेक वाला पोर्शन एक्सप्लेन किया था तब। स्टेक यानी कि एक चीज के ऊपर हम दूसरी चीज है वो रख सकते हैं। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, ये वाला है माचिस बॉक्स, उसके ऊपर आप एक चीज के ऊपर दूसरी चीज रखोगे हाँ तो वो स्टेक होगा, तो यहाँ पे है राइट। फिर है स्ट्रॉबेरी, उसके ऊपर आप चीज रखोगे तो वो गिर जाएगी, इसलिए यहाँ पे स्टेक होगा नहीं। फिर है स्केल, वहां पे स्टेक होगा हाँ, स्केल के ऊपर आप दूसरी चीज रखोगे तो वो रहे, तो यहाँ पे लगाएंगे राइट। फिर है लेटर्स, स्टेक होगा हाँ, क्योंकि उसके ऊपर हम दूसरी चीज रखेंगे तो वो रहेगी। फिर है ब्रेसलेट, इसके ऊपर आप दूसरी चीज रखोगे तो वो गिर जाएगी, तो यहाँ पे स्टेक होगा नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे रोम। तो जो आपको याद रखना है, जो ऑब्जेक्ट स्टेक्ड होगा वहां पे लगाना है राइट, और नहीं होगा वहां पे लगाना है रॉन्ग। फिर है पत्थर, जो स्टेक होगा नहीं होगा तो वहां पे हम लगाएंगे रॉन्ग। फिर है मोबाइल फोन, स्टेक होगा आप उसके ऊपर दूसरी चीज रखोगे तो वो रहेगी, तो यहाँ पे स्टेक होगा, तो स्टेक होगा तो क्या करना है राइट, तो यहाँ पे हम लगाएंगे राइट। फिर है बाबा, आप उसके ऊपर दूसरी चीज रखोगे वो रहेगी नहीं रहेगी, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे स्टेक नहीं होगा, स्टेक नहीं होगा तो क्या लगाना है क्रॉस, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्रॉस। फिर है 5 रुपीज का नोट यानी कि मनी, आप इसको स्टेक कर सकते हो हाँ, ये स्टेक्ड होगा तो यहाँ पे क्या आएगा स्टेक्ड होगा तो राइट, तो यहाँ पे हम लगाएंगे राइट। फिर है चीकू, ये स्टेक्ड होगा नहीं तो यहाँ पे हम लगाएंगे रॉन्ग। फिर है कॉइन, स्टेक्ड होगा हाँ होगा, स्टेक्ड होगा तो क्या करना है बच्चों में राइट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा राइट। फिर है पाउडर का एक डिब्बा दिया है, स्टेक्ड होगा हाँ होगा, स्टेक्ड होगा तो क्या करना है वहां पे हमें राइट। फिर है बोल, बोल है वो स्टेक्ड होगा नहीं होगा, स्टेक्ड नहीं होगा तो हमें क्या करना है बच्चों वहां पे क्रॉस लगाना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे क्रॉस। फिर है इट, यहाँ पे स्टेक्ड होगा हाँ होगा, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे राइट। फिर लास्ट वाला है वो क्या है मार्बल, मार्बल स्टेक्ड होगी नहीं होगी, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे क्रॉस। मार्बल है वो स्टेक्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर हम दूसरी चीज रखेंगे तो मार्बल है वो वहां से सिरक कर आगे चली जाएगी, इसलिए वो स्टेक्ड होगा नहीं। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट दिए हैं वो स्टेक्ड हो गए यानी कि उसके ऊपर हम दूसरी चीज रखेंगे तो वो रहेगी, तो वो स्टेक्ड होगा, इसलिए हमने वहां पे क्या लगाया है राइट। और जहाँ पे रॉन्ग लगा यानी कि वो स्टेक्ड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर हम दूसरी चीज है वो रख सकते हैं नहीं, इसलिए वो स्टेक्ड होगा नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड टॉपिक स्टेक्ड और नॉट स्टेक्ड। थैंक यू।